खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का आज समापन हो जाएगा। पेरिस 2024 का समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार आज रात 12:30 पर शुरू होगा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी आर श्रीजेश समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज आखिरी दिन है। आज रात होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के साथ खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2024 का समापन हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह का आयोजन भारतीय समय के अनुसार आज रात 12:30 पर फ्रांस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा, जिसमें 100 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं कार्यक्रम के परेड ऑफ नेशंस में प्रतिभागी देश के एथलीट ओलंपिक फ्लैग को सलामी देंगे। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे। गौरतलब है कि भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वहीं भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में मेडल जीतकर इतिहास रचा था। वहीं ओलंपिक समापन समारोह की परंपरा के अनुसार 2028 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाले अमेरिका को ओलंपिक फ्लैग सौंपा जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, जिसमें ओलंपिक के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की झलक प्रस्तुत की जाएगी। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह इन खेलों में पोडियम पर अपने पदक की चमक बिखेरने वाले खिलाड़ियों के लिए तो खास होगा ही, साथ ही इन खेलों में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे हजारों खिलाड़ियों को एक यादगार अनुभूति भी प्रदान करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक अपने नाम किए। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसले ने निशानेबाजी में देश को पदक दिलाए। वहीं नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य जीता। वहीं कुश्ती में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर अपना दमखम दिखाया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हर किसी को प्रभावित किया। खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से 1 रजत सहित 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक जीतने का सिलसिला शुरू किया भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। इसके बाद 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर देश को एक बार फिर से गौरवान्वित किया। इस तरह मनु भाकर ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु आजादी के बाद से भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दूसरी तरफ सरबजोत सिंह ने अपने पहले ही ओलंपिक में सीधा मेडल पर निशाना साधा। इसके बाद निशानेबाजी में ही भारत ने अपने तीसरे पदक पर कब्जा जमाया। अपने पहले ही ओलंपिक में स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले स्वप्निल पहले भारतीय बने। भारतीय निशानेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय हॉकी टीम कहां पीछे रहने वाली थी। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पोडियम फिनिश करने में सफल रही। इससे पहले भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने ओलंपिक पदक जीतकर इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी। पेरिस ओलंपिक में अब बारी थी भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर वो कमाल कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। वे लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए।
साथ ही नीरज व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बने। नीरज के बाद कुश्ती में भारतीय पहलवान अमन सहरावत का दमखम देखने को मिला। अपने पहले ही ओलंपिक में अमन ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराया। 21 साल के अमन भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। अमन सहरावत की जीत के साथ ही भारत ने पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में मेडल जीतने के क्रम को कायम रखा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब रुक करते हैं पेरिस में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला का। मुकेश, आज पेरिस ओलंपिक खेलों का समापन हो जाएगा। अगले ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजेलिस अमेरिका में आयोजित होंगे, तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज क्लोजिंग सेरेमनी में? बिल्कुल, आज इन खेलों का समापन हो जाएगा स्टेड दे फ्रांस में, इसका आयोजन किया जाएगा। ये वो स्टेडियम है जहां पर एथलेटिक्स के तमाम मुकाबले खेले गए, जहां नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, अरशद नदीम ने जैवलिन में गोल्ड जीता और भी बड़े शानदार यहां पर मुकाबले रहे ट्रैक एंड फील्ड के। और ये बहुत ही बड़ा और शानदार स्टेडियम है, यहाँ पर इन खेलों का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। और साथ ही साथ 2024 पेरिस ओलंपिक का जो फ्लैग है वो हैंडओवर किया जाएगा लॉस एंजेलिस यानी अमेरिका में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिका करेगा, तो उनको ये हैंडओवर किया जाएगा। और कई खट्टी मीठी यादों के लिए ये ओलंपिक जाने जाएंगे, जहाँ पर तमाम खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे थे, जो होस्ट थी, मेज़बानी थी पेरिस की, वो यहाँ पर देखने को मिली। और साथ ही साथ इस सीन रिवर पर जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी पहली बार यहाँ पर आयोजित की गई थी, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक सेरेमनी थी जब किसी स्टेडियम के बाहर इसको आयोजित किया गया था, और तमाम जो यहाँ पर इवेंट थे बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट किए गए। तो जो भी यहाँ पर मेडल विनर है उनके लिए यहाँ पर ये स्टेडियम बड़ा ही, ये जो गेम्स है वो काफ़ी शानदार है। कई ऐसे नए खिलाड़ी यहाँ पर चमक बिखेरने में कामयाब रहे और कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कुछ ही पॉइंट से या कुछ ही सेकंड से पदक से चूक गए, तो वो अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ जाएंगे यहाँ से। और कई सारे कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे क्लोजिंग सेरेमनी में भी, और एक बार फिर से पेरिस की जो खास झलकियाँ उनको यहाँ दिखाया जाएगा। भारतीय दल भी यहाँ पर मौजूद होगा, जहाँ पर मनु भाकर और पीआर सृजेश जो होंगे वो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर होंगे, और तमाम दल यहां पर मौजूद होगा। नीरज चोपड़ा भी मौजूद होंगे, कई हॉकी खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं और रेसलिंग टीम के जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो खट्टी मीठी यादों के साथ ये ओलंपिक यहां पर ख़त्म हुआ। अगले ओलंपिक के लिए लॉस एंजेलिस तैयार होगा और वो अपनी तैयारियों को पूरा करेगा, क्योंकि अगला ओलंपिक जो है 2028 में अमेरिका यानी लॉस एंजेलिस में किया जाएगा। मुकेश, भारत ने 6 पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान को समाप्त किया है, तो किस तरह देखते हैं आप पेरिस ओलंपिक में भारत के सफर को? बिल्कुल, कल भारत ने जो उनकी आखिरी उम्मीद थी वो थी रितिका हुड्डा, जिसको उम्मीद थी कि जिनसे वो यहाँ पर पदक दिलाएंगी, लेकिन वो खुद क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई और उनकी जो ओपोनेंट थी वो सेमीफाइनल मुकाबला हार गई, यानी उनकी हार के साथ ही रितिका हुड्डा के रेपेचार्ज में खेलने की उम्मीदें भी खत्म हो गई। और भारत ने इस ओलंपिक में यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अभियान की समाप्ति 6 पदक के साथ करी। यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स भी देखने को मिले। मनु भाकर एक ऐसे निशानेबाज बन करके आए जिन्होंने एक ही एडिशन में 2 पदक जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीते और इतिहास रच के दिखा दिया। वहीं कई ऐसे शूटर भी रहे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही साथ आप देखिए वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता यानी टोक्यो में गोल्ड, यहाँ सिल्वर, शानदार मुकाबला उनका रहा। और यहाँ पर अमन ने जिस तरह से परफॉर्म किया, उन्होंने रेसलिंग में दिखाया परफॉर्म करके, सबसे युवा रेसलर बने, 21 साल की उम्र में उन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता वो बहुत शानदार था, जिस तरह से उन्होंने अपने ओपोनेंट को हराया, तो काफ़ी शानदार यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला। खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगाया और 6 पदक के साथ भारत ने इस अभियान को समाप्त किया। वो खिलाड़ी जो चौथे पायदान पर है, कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा लर्निंग लेसन होगा
कि कैसे वो चौथे से तीसरे पायदान पर, दूसरे पायदान पर जाएं या पहले पायदान पर जाएं, और यहाँ से वो काफ़ी कुछ सीखेंगे क्योंकि अगला ओलंपिक लॉस एंजलिस में 2028 में होगा। मनु भाकर ने साफ कहा था कि टोक्यो की हार ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, तो ये जो युवा हैं यहाँ पर जिन्होंने चौथा पायदान हासिल किया उनके पास अभी मौका है। कई ऐसे युवा खिलाड़ी भी थे 117 दल में जो पहली बार इस ओलंपिक में खेलने उतरे थे और उन्होंने भी बहुत शानदार कोशिश करके दिखाई। तो खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ मुकाबला खेला क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो दुनिया के दिग्गज आते हैं, नंबर वन होते हैं और अपने अपनी कंट्री के धुरंधर होते हैं। तो भारतीय खिलाड़ियों ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। वहीं विनेश फोगाट के लिए जो सिल्वर मेडल की उम्मीद है वो अभी भी बनी हुई है और 13 तारीख को उनका जो फैसला है वो भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे के आसपास आएगा, यानी अभी जो ऑर्डर है वो रिजर्व रखा गया है। और जिस तरह से हरी सालवे ने पूरी पैरवी करी, भारत को उम्मीद है कि उनको वो सिल्वर मेडल दिला पाएंगे। अभी उनका फैसला आना बाकी है, लेकिन ओवरऑल भारत ने यहाँ पर 6ठे मेडल के साथ अपने जो कैंपेन को है वो ख़त्म किया है और इस समय उनके पास 6 पदक हैं और भारतीय दल इन 6 पदक के साथ पेरिस ओलंपिक से जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अमन सहरावत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बात की। अमन ने 57 किलो भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले में प्यूर्टो रिको के पहलवान को हराया था। अमन की यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में पदक जीतने में सफलता हासिल की है। 21 साल के अमन ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अमन नमस्ते। नमस्ते सर जी। अमन आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, बहुत खुशी हुई। आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। हाँ जी, मेरी देशवासियों का आशीर्वाद था जी और आपकी मेहनत थी जी जो इतने और एक सुविधा दी जी टॉप ने और साई ने जी, आपने भी मतलब सब की मेहनत जी। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो उसको अपना घर बना ले, और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। हाँ जी, मतलब घर ने भी नहीं रहे जी इतने साल, तो उस खाड़े में आई तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। वही तो। हाँ जी। और देखिए अमन, मैं मानता हूँ देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के हमारे एथलीट हैं जो इस प्रकार से मेडल लेकर के आ रहे हैं, आप सबसे छोटी आयु के हैं, और इसके लिए आपके लिए तो इतना जीवन, इतना लंबा समय आपके पास है, मैं मानता हूँ आप देश को खुशियों से भर देंगे। हाँ जी, 2028 में जी ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे जी, पूरी वो पूरी मेहनत कराएंगे जी ओलंपिक में गोल्ड के लिए। मुझे मुझे पूरा विश्वास है आप सफल होने वाले हैं। और आपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया, माँ बाप खोने के बाद भी आप बिल्कुल जीवन में डटे रहे, ये बहुत ही प्रेरक जीवन है आपका। हाँ जी, संघर्ष तो जी यार एक सब ने करना पड़ा है जी, किसी न किसी तरीके से करना पड़ा है जी, आप भी तो संघर्ष करो जी, वो भी देख संघर्ष ही है। नहीं नहीं, हमारा तो क्या है, हम तो देश की सेवा में लगे हैं। आप लोग तो दिन रात, मैं तो आप न रात को सोते हैं न आप दिन सुबह, कितनी ठंड क्यों ना हो रजाई उठ के सोने का मन कर जाए तो भी आप तो मैदान में जाके मेहनत करते हो तब जाकर के यहाँ पहुंचते हो। हाँ जी, वहाँ सब साथियों को क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद पुरुषों में तो आप ही हैं जो कुश्ती के मैदान में आगे आए। हाँ जी, मतलब एक ही क्वालिफाई हुआ था जी पुरुषों में, तो बस यही सोच रहा था भाई हर बार रेसलिंग में मेडल आता है तो अब की बात यही जिम्मेवारी है तो मेडल दिलाने की, तो मैंने अपना पूरा 100% दिया जी। नहीं, वाकई आपने बहुत बहुत लगन से काम किया और देश को
जो आशा थी उसको भरने के लिए आपने भरपूर काम किया है। आज मैं देशवासियों उम्मीद रेसलिंग वाला तो जी गोल्ड की थी पर वो नहीं ले पाए, पर 2028 में जरूर ले आऊंगे जी। आप देखिए, आप गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, आप उस चिंता को छोड़ दीजिए। आपने देश को बहुत दिया है और देशवासी हर कोई सीना तान करके अमन का नाम ले रहा है। आपने इतनी सिद्धि और बहुत छोटी आयु में सिद्धि पाई है। इब्बे तो जी कुछ नहीं दिया, इब्बे तो बहुत कुछ देना थी देश तब तो। नहीं नहीं मुझे बड़ा भरोसा है, जिसका ऐसा सपना होता है ना वो देता ही है। चलिए अमन, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने देश का नाम रोशन किया है और आपका जीवन देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए भारत के चैंपियंस। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले, MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 Most trusted financial services brand. तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है। कुश्ती की दुनिया में अमन सहरावत अब वो नाम है जो ओलंपिक पदक विजेता है, लेकिन इस पदक तक पहुंचना उनके लिए कतई आसान नहीं था। और इस राह में सबसे बड़ी बाधा ना केवल विरोधी पहलवान थे बल्कि कांस्य पदक के मुकाबले से पहले उनका बढ़ा हुआ वजन भी था। तो आखिर अमन ने मुकाबले से पहले अपने वजन को किस तरह कंट्रोल किया, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से निकलकर ओलंपिक के मंच तक पहुंचने वाले और अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले अमन सहरावत की चर्चा हर ओर है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कांस्य पदक जीता, इसलिए भी नहीं कि वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी रहे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले से पहले अपने बढ़े हुए वजन को जिस तरह से कम किया। अमन सहरावत ने 10 घंटे में 4.5 किलो वजन घटाकर कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। अमन के लिए वजन घटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन किस तरह से उन्होंने वजन घटाया उसको इस तरह से समझा जा सकता है। अमन ने मैट पर करीब 1.5 घंटे तक कुश्ती लड़ी, इस दौरान उनके कोच भी उनके साथ रहे। अमन ने वजन घटाने और पसीना बहाने के लिए करीब 1 घंटे का हॉट बाथ लिया। अमन ने करीब 1 घंटे तक ट्रेडमिल पर बिना रुके दौड़ लगाई। वजन कम करना इतना आसान नहीं, इसलिए अमन ने कोच की सलाह पर जॉगिंग की। वैसे अमन ने इसके अलावा छोटे छोटे ब्रेक और थोड़ी थोड़ी देर पर एक्सरसाइज भी की। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस दरमियान उन्होंने अपने प्रशिक्षकों को अपने साथ ही रखा और जो कुछ भी किया अपने प्रशिक्षकों के देखरेख में ही किया। शाम को कुश्ती खत्म हुई है, उस टाइम करीबन 4.5 किलो वजन ज्यादा था अमन का। 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल खत्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यही ले लिया था मैट पर ही। 1 घंटा इसने रेस्ट किया, 12:30-12 बजे मैं इसको लेके जिम में चला गया था। तो उसके
एक घंटे का करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू, उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट किया, फिर पाँच पाँच मिनट के दो दो चार चार मिनट के सेशन, पाँच छः सेशन दिए इसको सोनाबाद के, उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया। ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे। फिर हमने करीबन डेढ़ घंटे के बाद दोबारा इसका वजन चेक किया, करीबन 3 बजे 3:30 बजे तो इसका 900 ग्राम वजन जब भी कम नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा फिर वही सेशन हमने दोबारा किया। अब की बार हमने सेशन का ड्यूरेशन कम रखा क्योंकि हमारे पास टारगेट छोटा हो गया था। जाहिर तौर पर अमन की कांस्य पदक की सफलता न केवल कुश्ती में उनकी तकनीकी दक्षता को सामने रख गई, बल्कि कहीं ना कहीं एक वजन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और किस तरह से एक उम्दा एथलीट के तौर पर खुद को सामने रखा जाता है, इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहां पर लेते हैं कोई छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए भारत के चैंपियंस। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। के बाद स्वागत है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में IOC के 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान के अंतर्गत खेल को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्रयासों के आधार पर लोगों को चुना जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कि पेरिस ओलंपिक में कौन से वो खिलाड़ी रहे जिन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा और मामूली अंतर से वे कांस्य पदक जीतने से चूक गए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस बार पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 भारतीय एथलीट चौथे पायदान पर रहकर पदक से चूक गए। इन एथलीटों के चौथे पायदान पर रहने से भारत के पदक की संख्या दोहरे आंकड़े में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो मनु भाकर महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रही। वहीं अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में नजदीकी अंतर से कांस्य पदक से चूक गए। धीरज बोम देवरा और अंकिता भगत की जोड़ी को भी तीरंदाजी में मिक्स्ड टीम इवेंट में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कांस्य पदक के मैच में हार का सामना करना पड़ा और वो भी चौथे स्थान पर रहे। अनंजीत सिंह और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी मिक्स्ड स्कीट इवेंट में चौथे स्थान पर रही। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भी भारोत्तोलन में एक कड़े मुकाबले में चौथे स्थान पर रही। ओलंपिक जैसे खेल में चौथा स्थान सबसे निराशाजनक परिणामों में से एक है क्योंकि खिलाड़ी पदक की दहलीज पर आकर पदक से चूक जाता है। एक तो सबसे ज्यादा दुख होता है जो फोर्थ पे रह जाते हैं, मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल हार जाता है, मतलब थोड़ा सा के लिए एक मेडल चूक जाता है। लेकिन वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि फोर्थ में रहने के बाद इतना दुख होता है और हम लोग फिर आगे क्या करना है वो और ज्यादा सोचते हैं कि और किस तरह से और ज्यादा स्ट्रांग बने। इस बीच भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने कहा कि एथलीटों को खुद चिंतन करना होगा और अपने खेल में आत्मविश्वास लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई है जिससे उनके खेल में काफी सुधार हुआ और बड़े मंचों पर खिलाड़ी चमक बिखरे। I think it's high time the players also need to, you know, take responsibility. You know, like at least the last this one, this Olympics and the previous Olympics, you cannot hold the federations responsible, you cannot hold the government responsible for the whatever, you know, good performance or decent performance or not so good performance, whatever you call it.
because I think the you know, they have done whatever they can. Ultimately, you know, everybody, even the federation, the foundation, the academies, can only do so much. We can provide everything we can, but ultimately they also have to take responsibility and go and deliver when it matters the most. दूसरी ओर पूर्व ओलंपियन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता संजीवा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये चौथे स्थान पर रहना भारतीय खेलों में लगातार प्रगति को दर्शाता है और अगले ओलंपिक में यह चौथा पायदान स्वर्ण रजत पदक और कांस्य पदक में तब्दील होता दिखाई देगा। I think the mixed team finish of the fourth place was disheartening to some extent because obviously you are missing the bronze medal by a whisker. At the same time there's a ray of hope because that tells you that you are already there. You're knocking at the door. Next time the color may change, the number of medals may change. So both may happen. चौथे पायदान पर रहने और मामूली अंतर से पदक चूक जाने से इन सभी खिलाड़ियों को जरूर निराश किया होगा, लेकिन अब यही उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में ये खिलाड़ी इस बाधा को भी पार करके दिखाएंगे और देश के लिए पदक जीतने में जरूर कामयाब होंगे। चौथे पायदान से तीसरे पायदान पहुंचने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने खेल से ये साबित किया कि जिस जज्बे के साथ वो खेले, आने वाले ओलंपिक्स में वो इस चौथे पायदान की जो बाधा है इसको जरूर पार करेंगे और तीसरे पायदान, दूसरे पायदान या पहले पायदान तक का सफर तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस दौरान तमाम बड़े एथलीटों को चुनौती दी, टक्कर दी, सरकार ने उनको तमाम वो सुविधाएं दी, फेडरेशन ने उनको सुविधाएं दी। खेल जगत के पंडित मानते हैं कि खिलाड़ियों ने प्रदर्शन जो है वो बेहतर किया, लेकिन ज़रूरत है कि अब वो अपने प्रदर्शन में एकाग्रता लाएं, बड़े मैच में बिग टेम्परामेंट लेकर के आएं ताकि वो जल्द से जल्द इस बाधा को पार करें। कैमरा सैंथिल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस।